कोलकाता में महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के विरोध में मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज में भी डॉक्टरों ने की हड़ताल। मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज में आज बंगाल में हुई महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के सिलसिले में मृतक डॉक्टर के दोषियों को फांसी की सजा मिले और डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए पूरे देश में सख्त कानून बने। इसी को लेकर मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज के सभी डॉक्टरों ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर आज हड़ताल पर रहे। मेडिकल कॉलेज में सिर्फ इमरजेंसियां देखी गई, ओपीडी में पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहा। वहीं डॉक्टर मंजू प्रभाकर और अन्य डॉक्टर्स का कहना है कि महिला डॉक्टर के हत्यारों को अगर सख्त सजा नहीं मिलती तो हम लोग इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ पूरे देश में इमरजेंसी सेवा भी देखना बंद कर देंगे। डॉक्टरों ने बताया कि अस्पताल डॉक्टर का घर होता है और वहीं दरिंदे आकर अगर ऐसे नरसंहार करेंगे तो हम लोग क्यों रात दिन जनसेवा में लगे रहें? हम भी फिर अपनी सेवाएं बंद करेंगे। जो सरकार डॉक्टर को न्याय नहीं दे सकती तो हम उस सरकार पर कैसे भरोसा करके बीमारियों से ग्रस्त लोगों को कैसे देखें? और कुछ हैवान दरिंदे दुनिया समाज को गंदा करने में लगे हुए हैं जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं, जिनसे देश दुनिया में बहन बेटियों की सुरक्षा अधर में है और बहन बेटी अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। डॉक्टर का कहना है कि भारत सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देती है, जब ऐसे हैवान दरिंदे बेटियों को बचने नहीं देंगे तो बेटी पढ़ेंगी कैसे? डॉक्टर ने देश के राष्ट्रपति व भारत सरकार से मांग की है कि महिला डॉक्टर के हत्यारों को फांसी की सजा हो और डॉक्टर के लिए सुरक्षित कानून बने। आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज में हजारों की संख्या में डॉक्टर व स्टाफ ने ओपीडी कार्य को बंद कर हड़ताल की है और सरकार से मांग की है कि 24 घंटे में न्याय नहीं मिलता तो हम इस हड़ताल को आगे भी जारी रखेंगे। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक इंटर्न स्टूडेंट के साथ जो रेप और मर्डर का जो एक कांड हुआ है और उसको जिस तरीके से ममता बनर्जी की सरकार ने छुपाने की और दबाने की कोशिश करी है, हम बेकरसपुर मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज के सारा मेडिकल स्टाफ, सारे कंसल्टेंट्स, फैकल्टी, सारे स्टूडेंट्स, पीजी स्टूडेंट्स और रेजिडेंट डॉक्टर्स सब आज इसके अगेंस्ट एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम सब स्ट्राइक पर हैं, हमारे यहाँ ओपीडीज बंद हैं, सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज चल रही हैं जैसे कि आईएमए ने आह्वान किया है। हम सब इस हेनस क्राइम के लिए प्रोटेस्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इनके गुनहगारों को सजा मिले, उन्हें फांसी की सजा हो, गुनहगार पकड़े जाएं और इसके पीछे जिस किसी का भी हाथ है उन सब लोगों को इसके लिए सजा मिले, डॉक्टर्स के लिए एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट मिले क्योंकि सारे डॉक्टर्स दिन रात समाज की सेवा के लिए काम करते हैं। हमारे सारे स्टूडेंट्स, सारे रेजिडेंट डॉक्टर्स, सारे फैकल्टी मेंबर्स सब दिन रात काम करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने मरीजों की सुरक्षा और उनका जीवन बचाने के लिए, पर हमारे जीवन की सुरक्षा कौन करेगा? अगर अस्पताल के अंदर एक मेडिकल कॉलेज में एक मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट का जीवन खतरे में है तो फिर आप बताइए कि किस तरीके से आप उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर्स आएंगे और आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन बचाने के लिए अपनी तरफ से मेहनत करेंगे? जब उन्हीं का जीवन सुरक्षित नहीं है तो वो किसी को भी कैसे जीवन दान देने की कोशिश कर सकते हैं या किसी का जीवन बचाने की कोशिश कैसे कर सकते हैं? हमें एक सुरक्षित समाज चाहिए, हमारे लिए, हमारे डॉक्टर्स के लिए हमें एक सुरक्षित एनवायरनमेंट चाहिए। आए दिन खबरें आती हैं, आज उस डॉक्टर का अस्पताल तोड़ दिया, आज उस डॉक्टर के साथ में मारकाट हो गई, किसी को गोली मार दी गई, ये सब नहीं चलेगा। बहुत हो गया। अब सरकार को जागना होगा, इसके लिए सख्त से सख्त कानून बना करके उन्हें इम्प्लीमेंट करना होगा। जब तक ये सब नहीं होगा तब तक कोई भी डॉक्टर काम करने के लिए अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगा और हम सब इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती। धन्यवाद।